पंजाब असेंबली का अजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से शुरू। मौतलगी अराकीन के लिए एक बार फिर नो एंट्री। अंदर दाखिले की इजाजत न मिलने पर मुअत्तल अराकीन का मरकजी दरवाजे के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की भी शिरकत। खातून रुकन ज़ेबुनिसा ने स्पीकर को जानबदार करार दे दिया। कहा एहतजाज जमहूरी हक है। परवेज़ इलाही ज़ातियात पर उतर आए हैं। ज़मीनी इलेक्शन में जीतने वाले नौ मुंतखब लीगी अराकीन का एहतजाजन हल्फ न उठाने का फैसला। अदालत ने एक डिक्टेटर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का कहा। खसूसी अदालत भी बनी। किसी को मालूम है कि वो डिक्टेटर कहाँ है? मुझ पर गद्दारी जैसा संगीन इल्ज़ाम नाकाबिले तस्वुर है। क्या मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला गद्दार होता है? क्या मुल्क को दहशतगर्दी से निजात देने वाला गद्दार होता है? नवाज शरीफ, वक्त आ गया है कि किसी शहरी की पाकिस्तानियत की तौहीन को भी काबिले सजा जुर्म करार दिया जाए। साबिक वज़ीरे आज़म ने गद्दारी केस में जवाब हाईकोर्ट जमा करा दिया। और सरबरा आवामी तहरीक डॉक्टर तहरुल कादरी तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर तहरुल कादरी के निजी अस्पताल में सर्जरी हुई। तर्जुमान के मुताबिक सरबरा आवामी तहरीक सेहतयाब हो जाएंगे।